फैमिली स्टार नाम से एक तेलुगु मूवी रिलीज हुई है, जिसमें आपको विजय देवरकोंड मृणाल ठाकुर देखने मिलेगी। इसका ट्रेलर देख के लग रहा था ये मूवी एक फन एंटरटेनमेंट मूवी होगी, जो ऑडियंस अपने फैमिली के साथ जाके देख कर एंजॉय कर सके। मैंने इस मूवी को देख लिया है और इस मूवी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मगर उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी में हमको विजय देवरकोंड का कैरेक्टर मिडिल क्लास है, जो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, और फिर उनकी जिंदगी में आती है मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर, और फिर लव स्टोरी स्टार्ट होती है। और जैसे कि हर लव स्टोरी मूवीज में होता है, तू तो मैं वो भी आपको इस मूवी में देखने मिलेगा, जिसकी वजह से ऐसा नहीं लगेगा कि कोई न्यू मूवी देख रहे हो। मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करूं तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ ओके जैसा है, जिसको देखते टाइम आपके फेस पे एक स्माइल रहती है, और इंटरवल से पहले एक ट्विस्ट भी आपको देखने मिलेगा। और सेकंड हाफ में कुछ भी हो रहा था, फिर भी मैं इसके सेकंड हाफ को झेल रहा था और सोच रहा था अब मूवी इसके आगे क्या ही करेगी। बट इसके डायरेक्टर ने लास्ट के 30 मिनट के लिए कुछ और ही सोचा था, जिसको देखते टाइम मेरे सर में दर्द होने लग गया। और उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि कब होगी ये मूवी खत्म, कब मैं थिएटर से निकलूंगा, क्योंकि अब ये मुझसे झेला नहीं जा रहा था। एक्टिंग की बात करूं तो विजय देवरकोंड एक फैमिली मैन के रोल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे तो लगता है विजय देवरकोंड को एक्शन मूवीज ही करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के रोल इन पे बिल्कुल भी सूट नहीं होते, और कहीं कहीं जगहों पे तो विजय देवरकोंड ने ओवर एक्टिंग करते हुए दिख रहे थे। बट मृणाल ठाकुर इस मूवी की एक हिसाब से जान है। मूवी में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो आपको दीवाना बनाने के लिए काफी है। इस मूवी के क्रिएटर्स ने भले ही मूवी इतनी अच्छी ना बनाई हो, बट उन्होंने मृणाल ठाकुर को कास्ट करके एक अच्छा काम किया है। भले ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, बट जितना भी करेगी वो मृणाल ठाकुर के वजह से ही करेगी। मूवी में एक्शन भी इतना अच्छा नहीं है, जिसको देखते टाइम आप अपने सीट पे बैठकर देखो। मूवी की सॉन्ग्स की बात करूं तो वो ठीक ठाक है। सो ओवरऑल फैमिली स्टार मूवी एक बिलो एवरेज मूवी है, जिसको अगर आपने नहीं देखेंगे तो चलेगा। हाँ, अगर ये मूवी थिएटर पे नहीं, अगर OTT पे रिलीज होती तो बोल सकते हैं कि ये ठीक ठाक मूवी है, क्योंकि इसको देखने के लिए थिएटर जाके अलग से टिकट के पैसे नहीं लेना पड़ता। और ऐसे सुनने में आया है इस मूवी को हिंदी में रिलीज करने वाले हैं। बाकी अगर आपने ये मूवी देखा है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस ला सकूं। सोशल मीडिया हैंडल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फॉलो कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।